हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे एरिडिटी अनोमली आउटलुक इंडेक्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम IMD के नाम से जानते हैं, इन्होंने एरिडिटी अनोमली आउटलुक इंडेक्स को रिलीज कर दिया है। तो इस वीडियो में हम एरिडिटी अनोमली आउटलुक इंडेक्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे, समझेंगे इस इंडेक्स के क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं और या लेटेस्ट जो इंडेक्स जारी किया गया है उसके जो की फाइंडिंग्स वगैरह हैं, उन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा समझते हैं एरिडिटी अनोमली आउटलुक इंडेक्स के बारे में। देखिए, अगर हम एरिडिटी आउटलुक इंडेक्स की बात करें तो ये मेनली पूरे नेशन में agriculture.com को मॉनिटर करता है। agriculture.com, देखिए, ऐसी कंडीशन को कहा जाता है जहाँ पर मान लीजिए किसी क्रॉप को ग्रोथ के लिए कितना रेनफॉल चाहिए, कितना सॉइल मॉइस्चर चाहिए, इन सारी बातों को एग्जामिन करता है। देखता है कि क्या जो क्रॉप है उन्हें एक्चुअल में उतना रेनफॉल या सॉइल मॉइस्चर मिल पा रहा है, कि वो मैच्योर हो पाएंगे या उनका प्रोडक्शन कैसा होगा, प्रोडक्टिविटी कैसी होगी पूरे नेशन में। मान लीजिए पूरे नेशन में, मान लीजिए स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा को जारी करते हैं, बेसिकली एग्जामिन करते हैं कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी में जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पर वाटर क्राइसिस किस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है या किस स्टेट की कंडीशन कैसी है, इन सारी बातों से रिलेटेड ये डाटा को जारी करते हैं। और इसी को यूज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह के जो डाटा जारी करती है कि आने वाले दिनों में हमारे पास प्रोडक्शन कितना होगा। जैसे हम देखते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अज्यूम करती है कि इस साल क्या होगा, जो हमारी क्रॉप होंगी उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी या कम होगी, इस तरह के डाटा पर ही बेस्ड होती है ये। देखिए, इसमें भी क्या किया जाता है, मेनली जो डाटा जारी किया जाता है, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट वाइज है, तो इसमें पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट दिखाया जाता है। मान लीजिए कि किसी डिस्ट्रिक्ट में, मान लीजिए कि जो निगेटिव वैल्यू आ रहे हैं, मीन्स वहाँ पर जो मॉइस्चर होगा उसका सरप्लस होगा, ये निगेटिव इम्पैक्ट को शो करता है। और कहीं पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मीन्स वहाँ पर मॉइस्चर का स्ट्रेस देखने को मिलेगा। तो इससे पता चल जाता है कि आने वाले दिनों में इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या पर्टिकुलर स्टेट में जो क्रॉप का प्रोडक्शन होगा या प्रोडक्टिविटी होगी वो कैसी होगी, इससे रिलेटेड सारी डाटा पता चल जाती है। तो अब जरा बात कर लेते हैं जो लेटेस्ट डाटा जारी किया गया है, जो की फाइंडिंग्स बताई गई हैं। इसमें कहा गया है कि इंडिया की 85% ऑफ डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं वो एरिड कंडीशन को फेस कर रहे हैं, मींस वहाँ पर जो एग्रीकल्चर कंडीशन है वहाँ पर अच्छी नहीं है। इनमें भी बेसिकली उत्तर प्रदेश को बताया गया है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा 65 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर एरिड कंडीशन हो रही है, मींस वहाँ का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होने की चांसेज नहीं है। सेकेंड नंबर पर बिहार को बताया गया है, बिहार में भी 33 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो एरिड कंडीशन को फेस कर रहे हैं, मीन्स वहाँ पर जो प्रोडक्शन के चांसेज हैं थोड़ा कम देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना वगैरह की बातें की गई हैं। देखिए, जो जितने भी डाटा हम बात कर रहे हैं ये डाटा जारी किया गया है July 2022 से रिलेटेड, मीन July 2022 में ऐसे डाटा थे, ऐसी कंडीशन थी, एरिड कंडीशन थी। इसके बाद जब डाटा जारी किया जाएगा तो हम डिस्कस करेंगे। मेनली देखिए, इस तरह के डाटा के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होगा कि जो ड्रॉट का इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर पे वो कैसा होने वाला है, उसे पहले से हम एज्यूम कर सकते हैं। खास करके जो विंटर सेशन हो या फिर जो समर क्रॉप वगैरह होते हैं उन्हें असेस कर सकते हैं कि हमारे विंटर का जो क्रॉप होगा या समर का जो क्रॉप होगा उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी होगी, आने वाले दिनों में हम कितना एक्सपोर्ट कर पाएंगे या फिर कितना इम्पोर्ट करने की जरूरत होगी, इस तरह के रिलेटेड डाटा यहाँ से पता चल पाता है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।